नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पदाधिकारी गढ़ की बैठक संपन्न। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में चुनाव कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी ने मीडिया से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी संदर्भ में हमारे प्रत्याशी और तमाम पदाधिकारियों के साथ यह बैठक थी। तो यह रणनीति क्या काम करेगी 3 मार्च तक? अरे रणनीति तो जब से प्रियंका गांधी ने प्रभार लिया है तभी से काम कर रही है। जो सड़कों पे कोई लाठी खाने का काम किया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता किए हैं। जेल जाने का कोई काम किया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता किए हैं। उम्भा कांड में कोई गया है तो हमारी नेता गई हैं। हाथरस कांड में कोई गया है तो हमारी नेता गई हैं प्रियंका गांधी जी। लखीमपुर खीरी में कोई गया है तो प्रियंका गांधी गई हैं। कोरोना काल में बसों से प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने का किसी ने काम किया, भोजन वितरण का काम कराया तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो सारा तो संघर्ष हमने किया है। गैर कांग्रेसी दल तो उत्तर प्रदेश में 2 साल 2.5-3 साल से कहीं दिखे नहीं। हम ये कह सकते हैं कि हम बलिया नगर विधानसभा भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं जी। तो नगर विधानसभा भारी मतों जीतेंगे जी। आप कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, आज बैठक है, इस बैठक में किस तरह के मुद्दे हुए, क्या रणनीति बनी, क्या हुआ, आप इस पर प्रकाश डालने के? रणनीति के बारे में तो हमारे नेता आपको बता चुके हैं कि हम बूथ पर जीतने की रणनीति बनाए हैं, किस बूथ पर कहाँ क्या करना है, ये सब रणनीति हमारी तय हुई है। अब ये बात खुलासा करने की नहीं है, ये गोपनीय बातें होती हैं। आप जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से अपील करेंगे कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी के आदेश में पर और सोनिया राहुल गांधी जी पर भरोसा करके, माननीय अजय लल्लू जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में सरकार बनावें। माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, इसमें भारी से भारी मतों में पंजा के निशान पर बटन दबा करके विजयी बनावें, यही मेरा अपील है। संतोष कुमार चौबे, जिला प्रवक्ता, जिला कांग्रेस कमेटी बलिया जी। आज मीटिंग का जो हुआ, इस मीटिंग से क्या हम पब्लिक को संदेश देंगे आप? हम इस मीटिंग से अपने कार्यकर्ताओं को यही बुलाकर समझाए हैं कि क्या कहना है। हाँ। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है यह दावा करते कि हमने भूमि माफियाओं को जेल भेज दिया। हाँ। आज भूमि माफिया जो है जेल के अंदर है और भूमि अधिकरण जो कब्जा होता है, भूमि कब्जा नहीं हो रहा है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वीरेंद्र सिंह मस्त जी, वह भदोही से सांसद हुआ करते थे, लेकिन जब बलिया आए तो उनका पहला काम हुआ जो सुदिष्टपुरी मेले के जमीन था उसको वह कब्जा किए। एक तो यह प्रचार कर रहे हैं कि भूमाफिया हम गिरफ्तार कर रहे हैं और दूसरे भूमाफिया को वहाँ भेजे हैं। दूसरे भूमाफिया जो हैं दयाशंकर सिंह जी, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, दयाशंकर सिंह जी को इन्होंने बलिया में भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। इनके बारे में पता कर लीजिए, लीला सिनेमा के पास वहाँ चौपड़ में एक इनका इन्हीं के पार्टी के लोग कार्यकर्ता चला, मैंने पुस्तकालय चला रहे थे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। उस दीनदयाल उपाध्याय जो पुस्तकालय था उसका सारा सामान निकाल कर इन्होंने फेंक दिया और वहाँ पर अपना कब्जा जमा कर वहाँ पर अपना मकान बना रहे हैं रहने के लिए। यही इनका काम है, यहाँ भूमाफियागिरी करते हैं। यह जो है पेपर आउट कराते हैं, PMT के पेपर आउट कराने में इनका नाम है। इलाहाबाद पुलिस चौकी सिविल लाइन थाने में इनका नाम है, वहाँ इनके ऊपर FIR दर्ज है। पता कर लीजिए आप, यह क्या विकास करेंगे लोग? 32 साल से यह हमारी सरकार सत्ता में नहीं है, लेकिन आप पता कर लीजिए जो भी विकास का काम है। 5 वर्ष का सिंचाई मंत्री थे जगन्नाथ चौधरी जी, उन्होंने विकास के नाम पर तुर्ती पार कैनल का निर्माण कराया और जिससे पूरा सिकंदरपुर विधानसभा और बेलतरा रोड और पूरा सारे लोग जो हैं वह तो उस नहर का लाभ ले रहे हैं। सूखा पड़ जाता है फिर भी उधर फसल अच्छी होती है। अस्पतालों का निर्माण हुआ, केंद्रीय विद्यालय के निर्माण कांग्रेस के ही लोगों ने कराया। ये तो आज बयान दे रहे हैं कि इंटर पास कर 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में एडमिशन लेगा उनको हम फ्री लैपटॉप देंगे। तो बताइए कौन सा यह सरकार बनाएंगे? कांग्रेस इसी मुद्दे को उजागर कर रही है। पर्चे बताते हुए आज किस प्रकार की बैठक हुई, क्या था आज? मैं कैलाश चौहान, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूं और बलिया जिले का प्रभारी हूं। आज किस प्रकार की मीटिंग थी, किस तरह क्या हुआ था? आज कार्यकर्ता और प्रत्याशी के बीच जो है सबका सामंजस्य बना के बैठक करके इस विधानसभा को जीतने के रणनीति पर चर्चा हुई है जी। इस रणनीति में क्या फैसला हुआ, किस तरह? अरे हम हर बूथ जीतने का
रणनीति बनाए हैं। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल पर जनता के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जनता के लिए हम यही बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 70 साल में उसके शासनकाल में जो भी देश में सरकारी संपत्तियां बनाई गई थी उसको भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बेच रही है, और उसको बेचने से रोकने के लिए जनता कांग्रेस पार्टी के तरफ अपना मन बना चुकी है और सत्ता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आप कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक बयान आया है कई बार है भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं है, कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। सही बात। अब भाजपा के नेताओं का क्या कहेंगे, वो तो इंटर और 12 में जब उनको फर्क ही नहीं महसूस हो रहा है तो क्या कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। 12वीं के पास जो बच्चे आपके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हासिल होंगी? हम पूर्ण बहुमत से अपनी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी क्या संदेश देंगे आम पब्लिक को? आम पब्लिक को हम यही संदेश दे देंगे कि इस देश में, इस प्रदेश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने की लड़ाई लड़ रही है।